गंदे देखिए जाके आप, पूरी नालियां भरी भरी हैं, लेटिन देखो जाके बाहर निकल रही है। हाँ, ये गलियों वहाँ जा, गलियों में जाके देखिए, दिख नहीं रहा है तो पूरा भरा हुआ है। तो भरा है यहाँ से नहीं, बहुत दिनों से भरा है यहाँ से नहीं, बहुत दिनों से भरा। यहाँ कभी काफी सफाई होती है हमारे घरों के आगे, कहीं पे भी देख लो, गली में अंदर गली में भी देखो कितनी गंदगी है मार्केट में। यही समस्या के लिए आया। हाँ, जब कोई अधिकारी आता है तो ये सफाई हो जाता है। क्या दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया, गली गली झील दे दी उन्होंने। एक थे रोहित कुमार, उस समस्या का समाधान किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया, हमारे आगे तो देखता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, केजरीवाल तमाम तरीके से वादे करते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया, बहुत साफ सुथरा और सुंदर बना दिया, आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, राजधानी दिल्ली मतलब केजरीवाल इस पर गर्व कराने की बात करते हैं। तो जरा सोचिए कि ये कौन सा स्कूल है और कौन सा नाली है जो सड़क पर बह रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जरा दिखाइए, दिल्ली नगर निगम प्रतिभा सह शिक्षा विद्यालय नाम है, त्रिलोकपुरी 22 ब्लॉक दिल्ली। अब इस क्षेत्र के विधायक हो, MCD हो, कर्मचारी हो, ये सबको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उनके CM केजरीवाल तमाम हजार वादे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो ये क्या कर दिया, ये कौन कर दिया, जरा बताइए हमें, और बताइए कि इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है ठीक करने का। और जिस तरीके से सड़क पर देख रहे हो कि जिस तरीके से सड़क बना है लोगों को चलने के लिए, सुविधा के लिए, लेकिन इस पर पार्किंग बना दिया गया है और पार्क में गाड़ी लंबी खड़ी है और उस तरफ से भी गाड़ी खड़ी है। जरा दिखाने के लिए बोलेंगे राहुल को कि दिखाइए सही से किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी है लाइन से, और बीच में लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। और एक तरीके से और कहते थे कि हमने दिल्ली को साफ सुथरा बना दिया, तो साफ सुथरा दिखाइएगा जरा ये नाली गली को किस तरीके से, लोग बताते हैं कि ये नाली है। अब नाली इस तरीके से होगा तो फिर सड़क का क्या हाल होगा, जरा सड़क भी सेम दिखाने के लिए बोलना चाहेंगे हम। एक तरीके से ये नाली है, कोई मानेगा इस बात को कि ये नाली है? नहीं मानेंगे लोग, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, दिल्ली सरकार में ये नाली है और नाली एक तरीके से भरा हुआ है। उसके बाद सड़क का हाल देखिए जरा किस तरीके से केजरीवाल की सरकार अपने वादों पर किस तरीके से खड़े उतरती है और कहती है कि हमने दिल्ली को साफ सुथरा बना दिया, मशीनों से साफ सफाई होंगे, अब लोगों को गटर में नहीं उतरना पड़ेगा, और जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास सड़कें होंगी, ग्रीनरी बना दिया है। लेकिन ग्रीनरी क्या है, पानी बह रहा है नाले का सड़क पर, और लोगों से परेशानी पूछे तो बोलते हैं कि सब चंगा से, सब केजरीवाल के भरोसे बैठे हैं, वोट मांगने बावजूद तो आएंगे और कहें कि हमने जी आपके लिए बहुत काम करना है, मैंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन क्या कदम उठाया है पूछने पर इस तरीके से रिजल्ट सामने नजर आता है। अब केजरीवाल बोलेंगे कि हमने तो बढ़िया कर दिया है, तो बढ़िया क्या किया है, इस सामने वीडियो गवाही दे रहा है आपके सामने, और लोगों से पूछेंगे तो यही बात बोलते हैं कि हमने जो कहा था, केजरीवाल ने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ। क्या नाम है चाचा आपका, जरा सामने बात कर सकते हैं एक मिनट? रामधन। ये नाली है ना MCD का? हाँ, नाली है। ये तो नाली तो दिख नहीं रहा है तो पूरा भरा हुआ है? तो भरा है यहाँ से नहीं, बहुत दिनों से भरा है यहाँ से नहीं, बहुत दिनों से भरा। यहाँ कभी काफी सफाई होती है। चाचा, मैंने सुना था कि इसमें आम आदमी पार्टी के विधायक है यहाँ से, रोहित कुमार मेहरौलिया, क्या आते हैं मिलने जुलने आप लोगों से बात कर? ना, कोई नहीं आता है मिलने। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो? नेता यही है रोहित कुमार मेहरौलिया। वो आते हैं मिलने आप लोगों से? ना, कोई। वोट के समय तो आए होंगे हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगने? सारे ही आते हैं भाई, वोट के समय तो हर एक बंदा आता है, फिर हाथ जोड़ेगा, इस पे देना, BJP पे देना, झाड़ू पे देना, कोई कहेगा तो हाथी पे देना। हाँ। लेकिन कोई यहाँ पे नजर नहीं आता, फिर कोई नजर नहीं आता नहीं। और इस सड़क पर देख रहे हैं सामने नाली का पानी बह रहा है, ये कोई बरसात का पानी नहीं है, नाले का पानी है, और दोनों तरफ देख सकते हैं सड़क पर गाड़ी खड़ी है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसके बावजूद केजरीवाल सरकार ट्विटर पर खुद बढ़िया बढ़िया ट्वीट करती है कि हमने तो बढ़िया कर दिया। क्या बढ़िया कर दिया है, क्या खाक बढ़िया कर दिया है, आप आइए सड़क पर, लोगों से जानिए कि आपने क्या बढ़िया किया है। लोग शिकायत करते हैं, एक तरफ और शिकायत कर रहे थे लोग कि MCD वाले को लोग बुलाते हैं साफ सफाई करने के लिए तो लोग धमकी देते हो, कर्मचारी उनके बोलते हैं कि पैसे दो तो अभी साफ सफाई होगा, इसमें तो बोलते हैं कि हम कल आएंगे। देखिए जाके आप, पूरी नालियां भरी भरी हैं, लेटिन देखो जाके बाहर निकल रही है। हाँ, ये गलियों वहाँ जा, गलियों में जाके देखिए आप, परेशानियां ही परेशानियां हैं। आप लोग MCD में केजरीवाल वो भी नारा लगाते थे, वो आ भी गए, वो समाधान नहीं करते? कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सब गंद पड़ा है। आम आदमी पार्टी तो बहुत वादे कर रही थी, तो कहते कोई कर्मचारी नहीं हमारे पास MCD में। हाँ, कर्मचारी नहीं है? नहीं। और वोट के समय तो बहुत नेता आते हैं? बहुत आते हैं, इस वक्त कोई नहीं आ रहा है। और अभी बरसात का समय है, बरसात का समय, सारे ही परेशान है, जल भरा हुआ ऐसा होता है, डेढ़ डेढ़ दो दो फीट लोगों के घर में पानी भर जाता है।
हाँ कुछ लोग बता रहे थे कि सड़क पर पूरा पानी भर जाता है इधर से उधर। मैं बोलूंगा जरा दिखाइए, इस सड़क वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पानी भरा होता है, बारिश का पानी सब भरा पड़ा है और पानी नहीं जाता है कहीं, पानी नहीं जा, नाली सारी ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नाली ऊपर है लेकिन सारे कचड़े भरे, देखो ये पत्थर सारे सामने दिख रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि लंदन जैसी सड़कें बना दिया है केजरीवाल, यही लंदन जैसी क्या सड़कें, सब बन गया लंदन जैसे, लंदन जैसे बना पड़े देख रहे हो, सारे ईंट पत्थर इसके अंदर सब भरे पड़े हैं, कोई निकालने को राजी नहीं, कोई सफाई कर्मचारी आता नहीं, तो क्या होगा इसमें। क्या नहीं लगता कि आपको जो विधायक आपके लिए वोट मांगने आए थे, हाथ जोड़कर आपके पास आए थे, कोई विधायक आता आपसे पूछता कि चाचा आपका क्या हालचाल है, आपकी समस्या क्या है, वो बाल गुहारे ने कह रहे थे मैं सफाई कराऊंगा ये कराऊंगा, वो आज तक नजर नहीं आई यहाँ कभी भी। इधर से नेता तो गुजरते होंगे, सारे गुजरते हैं, सारे रोहित भी गुजरते हैं, सारे गुजरते हैं लेकिन कोई समस्या का कोई नहीं, देखते हुए सब चले जाते हैं। अच्छा एमसीडी में भी बोलते हैं कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, साफ सफाई के लिए पैसे मांगते अलग से, ये तो उनका काम है भाई, काम है पैसे मांगने का, मांगा सारे काम उन्हीं के हैं, पैसे मांगे कूड़ा कूड़ा उठाए ना उठाए उन्हीं जबरदस्ती है, सब करते हैं खुद एमसीडी वाले सब वही करेंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बता रहे हैं कि एमसीडी वाले सब करते हैं, कूड़ा भी उठाएंगे, पैसे भी मांगेंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे और धमकी भी देंगे, यदि पैसे दोगे तभी तुम्हारे घर के सामने से सफाई होगा वरना नहीं होगा। तो क्या केजरीवाल जी से मेरा सवाल होगा, क्या आपने गुंडे पाले हैं कि एमसीडी में कर्मचारी रखे लोगों को सेवा भाव के लिए, अब सेवा भाव के लिए नहीं रखे तो फिर इस्तीफा भी दे सकते हैं, या तो आने वाले समय में जनता खुद बताएगी कि उनको इस्तीफा दिलवाना है या इस्तीफा सरकार में लाना ही नहीं है कि नहीं, जो काम नहीं होगा तो बेकार ही है और क्या, जब काम होगा जब लोग स्वागत करेंगे उनका, हाँ। तो काम नहीं होगा तो कौन स्वागत करेगा, कोई नहीं करेगा। का भाषण सुना होगा, बहुत बोलते हैं कि ये हो गया जी, वो हो गया जी, सब साफ कर दिया जी, तो हम लोग समाचार में सुनते हैं करते रहते हैं, लेकिन नजर तो सुनते रहते, समाचार में देते हैं कर दिया वो कर दिया, लेकिन यहाँ कोई करे जब तो, यहाँ पर चलने के लिए वाहनों की जगह नहीं है, पैसे सैलरी मिलते हैं इस काम के लिए, मिलने के बावजूद वो हमसे पैसे मांगे जाते हैं, कहते वरना हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कितनी बार बुलाया, हमारे घरों के आगे कहीं पे भी देख लो, गली में अंदर गली में भी देखो कितनी गंदगी है मार्केट में, यही समस्या के लिए आए, हाँ हम आपको बता तो रहे हैं पूरी त्रिलोकपुरी की स्थिति है, 2 फुट पानी यहाँ पे होता है, 2 फीट पानी खाली है या कूड़े का ढेर का बनाया हुआ कचड़े का अंबार है। अच्छा जब कोई अधिकारी आता तो यह सफाई हो जाता है, यहाँ कोई स्कूल में अधिकारी आया या चुनाव का टाइम हुआ तो भी इससे पहले 15 साल पहले इससे अच्छा था, ये तो अब जंगल बन गया। और क्यों है केजरीवाल, जब आप खुद से कर रहे हो सब कुछ, पैसे ले रहे हो इनसे, पूरा किया है, दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया, गली गली झील दे दी उन्होंने, विधायक थे रोहित कुमार, उस समस्या का समाधान किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, हमारे आके तो देखता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वोट मांगने आए थे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से समस्याओं में, बोलूंगा कि आप मुझे ना दिखा करके ये नाली को दिखाइए और दिखाइए ये भी कि क्या केजरीवाल जी जो वादे करते हैं और जो दावे ठोकते हैं हाथ ठोक ठोक करके कि मैंने सब साफ कर दिया, मैंने सब बढ़िया कर दिया, तो क्या बढ़िया कर दिया, अब बढ़िया ये कर दिया क्या ये बढ़िया कर दिया, जिस तरीके से कूड़े का ढेर नाले, इसमें शराब की बोतलें फेंकी गई है, सामने स्कूल है और पीछे भी स्कूल है, और यदि बारिश हो जाए 1 घंटे आधे घंटे तो पूरा सड़क भर जाता है, इस किसकी जिम्मेवारी, यदि एमसीडी वाले को कॉल भी किया जाता है तो बोलते हैं कि चलो देखते हैं हम आते हैं, कल आते हैं परसों आते हैं, तब तक लोग परेशान रहे, बारिश के पानी में चलते रहे, खुद से कुछ होता है तो कर ले, वरना एमसीडी का अधिकारी कर्मचारी नेता रोहित कुमार मेहरोलिया जो विधायक है यहाँ से कोई पूछने वाला नहीं आता है सामने। तो चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।